गुम है किसी के प्यार में शो की जनरेशन लीप के बाद शो में लीड कैरेक्टर अपने कैरेक्टर और शो में चल रहे कंट्रोवर्सी आयशा और नील भट्ट को मिस करते हुए किया ये बड़ा खुलासा। आखिर कैसा है सेट का माहौल? भाविका शर्मा ने पहली बार तोड़ी है चुप्पी, अपने किरदार को लेकर दिया है ऐसा सनसनीखेज खुलासा जिसे सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा। गुम है किसी के प्यार में शो इन दिनों तो वैसे तो ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। फैंस ये मान रहे हैं कि शो सई और विराट की कहानी को कॉपी किया जा रहा है, बस नए चेहरे के साथ हूबहू वही स्टोरी, हूबहू वही पाखी की कहानी, आयशा सिंह की कहानी और विराट की कहानी को ही एक नए चेहरे के साथ पिरोया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिंज है और जनता इसका विरोध कर रही है सोशल मीडिया पर। यही वो बड़ी वजह है कि नंबर वन रहने वाला शो चौथे पायदान पे खिसक गया है टीआरपी में और ये एक मेकर्स को भी बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब ईशान और रीवा की केमिस्ट्री को छोड़ भाविका शर्मा ने अपनी भूमिका को लेकर किया है बड़ा खुलासा। सावी के कैरेक्टर को लोग, क्योंकि ये सई की बेटी है, इसके लिए लोग आयशा सिंह की बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो सई के साथ हमेशा रही है। तो सावी के कैरेक्टर को लेकर भाविका शर्मा ने कहा, आप कभी नहीं जानते हैं कि कई डेली सोप ऐसे होते हैं जहां मुख्य किरदार केवल रोते हैं लेकिन फिर ड्रामा भी ज़रूरी है वरना कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये स्थिति अलग है क्योंकि किरदार खुशमिजाज हैं और यहाँ तक कि अगर कोई दुखद स्थिति है तो सावी सबके सामने रोएगी, बल्कि चुपचाप रोएगी और फिर मजबूत होकर सामने आएगी। भाविका शर्मा ने सेट को लेकर दिया है बड़ा बयान। भाविका ने कहा कि गुम है किसी के प्यार में शो के सेट पर बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं यहाँ पर पहली बार काम करने आई लेकिन मुझे आयशा सिंह और नील भट्ट से जब मुलाकात हुई मैं बहुत खुश थी। मैं उनसे आखिरी दिन शूट पर मिली थी और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, खास करके आयशा सिंह की तारीफ करती हुई नजर आई हैं भाविका शर्मा। भाविका शर्मा ने कहा कि आयशा ने मुझे बिल्कुल अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया। नील भट्ट सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन दोनों ही एक्टर्स को बहुत मिस करूंगी क्योंकि सैराट की जोड़ी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। खास करके सई ने जिस तरीके से जादू चलाया है शो में, उस जादू को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हम तो सई से कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आयशा सिंह बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं और मैं सेट पर यही कहना चाहूँगी, सेट पर मैं जब सबसे मिली तो सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही सहज मुझे महसूस करा रहे थे। मैं पैकअप के बाद आयशा सिंह के साथ बैठकर लंबे समय तक हम बात भी की और आयशा के साथ मैं कई बार लॉन्ग ड्राइव पे भी घूमने गई। आयशा सिंह बहुत ही अच्छी इंसान है और उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। भाविका शर्मा आयशा सिंह के साथ पहली बार मिलने के बाद ही आयशा की फ़ैन बन गई हैं और अब मीडिया इंटरेक्शन से बात करते हुए ये भी साफ कर दिया है कि वो काफ़ी लंबे समय के बाद भी इस शो में आयशा सिंह को बात करते हुए कास्ट और क्रू को देख सकती हैं। और भाविका ने कहा कि ये काफ़ी कम एक्टर्स के साथ होता है जिनका बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है मेकर्स के साथ या फिर क्रू के साथ, तो उनको लोग मिस करते हैं और ये मैंने सेट पर भी देखा कि लोग आयशा सिंह को कितना मिस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए भाविका शर्मा के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।